गाइज आज से लगभग 1.5 से 2 साल पहले नथिंग ब्रांड को कोई भी नहीं जानता था, लेकिन आज के टाइम पे हर किसी के माइंड में एक बार स्मार्टफोन लेना होता है ना तो नथिंग की तरफ एक बार जरूर मूव करते हैं, एक बार सोचते जरूर हैं कि यार इस प्राइस में नथिंग का स्मार्टफोन बेहतर क्यों ना ले लिया जाए। और आप कॉमेंट सेक्शन में बताना क्या आपने नथिंग फोन आज से 2 साल पहले सुना था, ये आया ही नहीं था, सुना कहाँ से। दूसरा नथिंग फोन 2 आ रहा है भाई साहब, मतलब नथिंग फोन 2 का क्या छोटा भाई छोटा बच्चा वट एवर जो भी है वो आ रहा है भाई साहब कम प्राइस रेंज में। जैसे कि गूगल अपने स्मार्टफोन्स को 2A सीरीज लेकर आता है, नथिंग भी कंपनी ए सीरीज लेकर आ रहा है बजट सीरीज के अंदर, जहां पर आपको काफ़ी ज़बरदस्त स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा भाई साहब। अब यहां पर नथिंग फोन 2A में क्या क्या स्पेक्स हैं पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं। डायरेक्ट ये कॉम्पीट करेगा मिड प्रीमियम रेंज वाले स्मार्टफोन्स के साथ में। यहां पर आपको 6.7 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, वो भी 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में, और ऑलमोस्ट नथिंग फोन 1 जैसा डिजाइन देखने को मिल जाएगा आपको स्मार्टफोन के अंदर। हालांकि और भी सारी चीजें नथिंग फोन 2 जैसी अडॉप्ट कर दी जाएंगी स्मार्टफोन में, हल्का फुल्का दोनों ही स्मार्टफोन का डिजाइन इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, तब जाके नथिंग फोन 2A बनेगा। और यहां पर स्मार्टफोन की और की हाइलाइट्स की बात कर लीजिए तो यहां पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा, नथिंग OS देखने को मिल जाएगा जहां पर आपको 2.5 के साथ में इंटीग्रेशन एंड्रॉइड 14 के साथ में देखने को मिल जाएगी। और यहां पर आपको नथिंग के जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाले फीचर्स हैं और बहुत सारे ऐसे ऐसे नथिंग के साथ में एप्पल के साथ में कनेक्ट हो जाता है, वो काफ़ी सारे अच्छे OS को इतना ज़्यादा इंप्रूव कर दिया गया है ना तो काफ़ी ज़्यादा बेटर लगेगा। तो यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और शायद 13 मेगापिक्सल या 12 मेगापिक्सल ऐसा कोई ड्यूअल रियर कैमराज देखने को मिल जाएंगे, बट OIS के साथ में फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर देखने को मिलेगा, USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा, शायद से 50W या 60W के समथिंग चार्जिंग देखने को मिल जाएगी स्मार्टफोन के साथ में, एंड यहां पर आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। बट नथिंग फोन 2 से ना इसकी बैटरी इंप्रूव रहेगी, फ़ोन छोटा रहेगा, बैटरी 250mAh थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी स्मार्टफोन की। रही बात स्मार्टफोन के प्राइस की, तो यहां पर ये वाला स्मार्टफोन वही ऑलमोस्ट 30 या 35 के समथिंग ही स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, बेस मॉडल की बात कर रहा हूँ, 30K देखने को मिल जाएगा स्मार्टफोन का। अब आप बताओ कमेंट सेक्शन में क्या आपने नथिंग फोन 2A लेने की प्लानिंग करने वाले हैं या फिर नथिंग फोन 2 ही परचेज करेंगे। नथिंग फोन 2 इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं कर पाया, मतलब हाइप तो क्रिएट की लेकिन इतना सेल नहीं हो पाया, फ्लॉप हो गया। लेकिन लोग काफ़ी सारे अभी ये कयास लगा रहे हैं कि भाई साहब नथिंग फोन 3 आएगा ना वो भी फ्लॉप ही रहेगा, बट वो भाई साहब काल पिए हैं, उन्होंने क्या किया नथिंग फोन 2A ला दिया। अब 2A में शिफ्ट होंगे लोग और कुछ जो बचे कुछ लोग सीधा वहाँ पर प्रीमियम सेगमेंट में चले जाएंगे। रही बात प्रोसेसर की, स्मार्टफोन के अंदर अभी प्रोसेस कंप्लीट तरीके से लीक तो नहीं हुआ है, बट कुछ एक्सपेक्टेशन ये लगाई जा रही है टिप्स्टर की तरफ से कि यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 या 2 वाला प्रोसेसर जरूर देखने को। मेरे हिसाब से 7 Gen 3 ही आना चाहिए क्योंकि लेटेस्ट प्रोसेसर है, और भाई साहब नथिंग का OS, नथिंग की यूजेबिलिटी, नथिंग की कंपेटेबिलिटी, नथिंग के भाई साहब फीचर्स ज़बरदस्त रहते हैं। आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको नथिंग का ट्रांसपेरेंट वाला डिज़ाइन कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना आपके विचार। और क्या आप नथिंग के 2A वाले स्मार्टफोन को लेना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे बताओ यार कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।